हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूरा मैथ्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम सीबीएल यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीबीएल यूनिवर्सिटी ने अपना सिलेबस जो चेंज किया है, यानी फर्स्ट ईयर से जो अब फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का सिलेबस है, ये सिलेबस चेंज हो गया है। ठीक है, तो पहले जो सिलेबस अप्लाई होता था, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एल्जेब्रा कैलकुलस एंड सॉलिड ज्योमेट्री 3 पेपर्स होते थे फर्स्ट सेमेस्टर में। हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं ओनली, क्योंकि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर दोनों के लिए अभी पुराना सिलेबस चलेगा, क्योंकि चेंज हो रहा है फर्स्ट ईयर से। सो जैसे जैसे ईयर में बढ़ते जाएंगे, सबका सिलेबस चेंज होता रहेगा। ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जब सेकेंड ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर का सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो आज हम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम की बात कर रहे हैं। सिलेबस 2021 to 2022 इस सेशन की हम बात कर रहे हैं। ओके, सो अब इस सेशन में आपको जो है एलजेब्रा और कैलकुलस केवल दो ही पेपर कर रहे हैं। थर्ड पेपर आपका प्रैक्टिकल डाल दिया गया है। तो एलजेब्रा का सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट बता दिया है यूनिट वाइज, ऐसे मैं कैलकुलस का भी बताऊंगी आपको। एलजेब्रा और कैलकुलस का जो सिलेबस है आपको कैसे तैयार करना है, ये भी वीडियो में डालूंगी। लेकिन आज की वीडियो में हम ये देख लेते हैं कि जो चेंज किया है, यानी कि एक तो हमारी बुक की ख़त्म हो गई है, सॉलिड ज्योमेट्री जो आपको अप्लाई होती है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो अब नहीं है। केवल एलजेब्रा और कैलकुलस ही दो पेपर ही आपको जो है पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, थर्ड पेपर आपका प्रैक्टिकल पेपर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एलजेब्रा का कंप्लीट सिलेबस, यूनिट वाइज सिलेबस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरह से हम कैलकुलस का भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, राइट। सो ये पूरा सिलेबस आप मेरे साथ कर सकते हो। उसके लिए न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करें और पूरा कोर्स जो है कंप्लीट कंटेंट आप वहाँ पे अपना तैयार कर सकते हो। चले भाई, क्या कहता है अलजेब्रा यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में कहते हैं रिवाइव ऑफ द मेट्राइसिस। ये जो अब मैं टॉपिक डाले हुए हैं सारे के सारे जो है, वो कितने चैप्टर बनेंगे, किस यूनिट में कितने चैप्टर आ रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज केवल हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। रिवाइव ऑफ मेट्राइसिस, अलजेब्रा ऑफ मेट्राइसिस, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये सारा रिवाइव ऑफ मैट्राइसिस में चलेगा। कि एलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस यहाँ पे हम पढ़ेंगे, रैंक के बारे में पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, लीनियर डिपेंडेंस एंड इनडिपेंडेंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्राइसिस, आइगन वैल्यूज, आइगन वैक्टर एंड द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, एंड नेक्स्ट आ जाता है मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स। मिनिमल पॉलिनोमियल, कैले हैमिल्टन थ्योरम, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इट्स यूज इन फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ये फर्स्ट यूनिट में पूरा टॉपिक कवर होता है। एग्जाम में कैसे आएगा, किस टाइप का पेपर आपको करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज केवल मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगी। ऑलराइट, चलिए यूनिट सेकेंड की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस टू सिस्टम ऑफ लीनियर, यानी कि बोथ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, दोनों के लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे। थ्योरम ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यूनिटरी एंड ऑर्थोगोनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूनिटरी एंड ऑर्थो बहुत ईजी भी है। यूनिटरी एंड ऑर्थोगोनल मेट्राइसिस, डायगोनलाइजेशन ऑफ मेट्राइसिस, लास्ट है बायलीनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके, देन नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर थर्ड, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कॉफिशियंट ऑफ जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन हैविंग कंडीशंस ऑन रूट्स। यानी यहाँ पे सारा का सारा हम जो है वो इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके रूट्स के बारे में कैसे आप फाइंड आउट करोगे अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग, कॉमन रूट, मल्टीपल रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, ये पूरे के पूरे टॉपिक हमारे थर्ड यूनिट में कवर होंगे। और यूनिट नंबर फोर्थ, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइंस, छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन डेफिनेटली आता है इसमें से। ओके, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, इसमें हम क्या क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किससे करोगे, कार्डन्स मेथड, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द यूनिट फोर्थ। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशंस, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जो 4 डिग्री की इक्वेशन होती है उनका सॉल्यूशन कैसे करना है आपको, ये हम सारा लास्ट यूनिट में यानी यूनिट नंबर फोर्थ में पढ़ने वाले हैं, राइट। सो दो ही पेपर हैं, एलजेब्रा एंड कैलकुलस। एलजेब्रा का सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
एंड जो कैलकुलस का सिलेबस है वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी, और आप पूरा जो कंटेंट है, पूरा जो कोर्स है, आप जो है न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हो। बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डाउनलोड न्यूएरा मैथ्स ऐप। चलिए भाई, अब हम सिलेबस देख लेते हैं हमारा कैलकुलस का। और कैलकुलस का सिलेबस तो वही है, केवल एक टॉपिक एक्स्ट्रा है जो न्यू सिलेबस आया है। देखिए, चैप्टर्स आगे पीछे कर दिए गए हैं। जैसे थर्ड चैप्टर, एक हमारा चैप्टर इसमें कम किया गया है जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा, जिसमें हम लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, वो चैप्टर कम कर दिया गया है और एक चैप्टर एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, राइट। बट बाकी जो सारे चैप्टर्स हैं बीच में, अभी मैं बताऊंगी आपको, चैप्टर वाइज भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी कि यूनिट में चैप्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं, पहले कौन से थे, अब कौन से हैं। सो इसमें जो मैंने ये सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं इस वीडियो में, लेकिन चैप्टर्स वही हैं, बस इसमें फर्स्ट चैप्टर हटा के लास्ट में एक एक्स्ट्रा डाल दिया गया है, ओके। सो जिसके पास पुरानी बुक है उसमें से आप पढ़ सकते हो बिल्कुल आराम से, टॉपिक सारे वही हैं, बस चैप्टर्स आगे पीछे कर दिए गए हैं और कुछ नहीं है ज़्यादा। देखिए, यूनिट फर्स्ट में क्या डाला हुआ है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। यहाँ पे जो पुरानी बुक थी उसमें ये सेकंड चैप्टर था, ओके। मैक्लोरियन टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ये हमारे पास थर्ड चैप्टर था, लेकिन ये यूनिट फर्स्ट में डाल दिया गया है। कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फॉर कार्टिजियन कर्व, पैरामेट्रिक कर्व्स, पोलर कर्व्स, ये हमें सारा कर्वेचर बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास अभी न्यू बुक नहीं है, पुरानी बुक है, तो उसमें से आप इजीली पढ़ सकते हो, पूरा टॉपिक वही रहेगा। उसमें आपको फोर चैप्टर मिलेगा, ये कंटेंट वही है, राइट। बस चैप्टर्स आगे पीछे कर दिए गए हैं। न्यूटन्स मेथड, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फॉर पीडल कर्व, टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्कल ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर एंड एवोल्यूट्स। एवोल्यूट्स जो हमारा पुराना सिलेबस है उसमें लास्ट में होता था ये टॉपिक, लेकिन ये अब इसके साथ डाल दिया गया है, ओके। तो ये सारा आपका फर्स्ट यूनिट में कवर होता है। यूनिट सेकंड, एसिम्प्टोट्स इन कार्टिजियन, ओके, एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे जो एसिम्प्टोट चैप्टर है, सॉरी, कर्वेचर फिफ्थ चैप्टर था पुरानी बुक में, और एसिम्प्टोट है फोर्थ चैप्टर, ओके। ये यूनिट सेकंड में, वो भी यूनिट सेकंड में ही था, ये भी यूनिट सेकंड में ही है। एसिम्प्टोट इन कार्टिजियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट, टेस्ट फॉर कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मल्टीपल पॉइंट्स, कस्प, नॉट्स एंड कंजुगेट पॉइंट्स एंड टाइप ऑफ कस्प। तो ये सारे टॉपिक आपको पिछले ईयर भी, यानी जो पुराना सिलेबस उसमें भी मिल जाएंगे, टॉपिक सेम है, बस यहाँ से फिफ्थ चैप्टर हटा के, कर्वेचर यहाँ से हटा के और इसमें डाल दिया गया है, ओके। अभी चैप्टर वाइज भी मैं आपको बताऊंगी। सो पहले आप टॉपिक्स देख लीजिए। यूनिट थर्ड में क्या आ रहा है, रिडक्शन फार्मूला, रेक्टिफिकेशन, इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ कर्व, ये इंट्रेंसिक हम पढ़ते थे यहाँ पे कर्वेचर में, कर्वेचर और इसमें जो है वो टॉपिक फिफ्थ चैप्टर में पढ़ते थे, ये टॉपिक यहाँ पे डाल दिया गया है, ओके। एप्लीकेशन ऑफ सिंगल इंटीग्रेशन, क्वाड्रेचर, जिसमें हमें कर्व का एरिया फाइंड आउट करना होता है, सेक्टोरियल एरिया, एरिया बाउंडेड बाय क्लोज्ड कर्व, वॉल्यूम्स एंड सरफेसेस ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन, एप्लीकेशन ऑनली, यानी यहाँ पे केवल आपको इसकी एप्लीकेशन करनी है, थ्योरम्स ऑफ पपूज एंड गार्डियंस थ्योरम। तो ये हमारे पास दिया गया है यूनिट थर्ड का सिलेबस, राइट। यूनिट फोर्थ में मल्टीपल इंटीगल, डबल इंटीगल का इन कार्टिजियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, एरिया एंड वॉल्यूम बाय डबल इंटीगल, ट्रिपल इंटीगल्स, कार्टिजियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, राइट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स बाय ट्रिपल इंटीग्रल, ये टॉपिक आपको यहाँ पे अलग मिलेगा जो लास्ट टॉपिक है। बाकी सारा का सारा हमारा पुराना ही सिलेबस है, राइट। तो पुराने सिलेबस में से फर्स्ट चैप्टर स्किप कर दिया गया है, हटा दिया गया है, और लास्ट में एक चैप्टर ऐड कर दिया गया है। बाकी कंप्लीट जितना भी मिड में जो सिलेबस है, सारा पुराना ही सिलेबस है। वैसे ये पूरा आप जो कोर्स है, ये पूरा आप कोर्स कर सकते हो न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन पर। अगर कोई भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का डाउट है, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाला हुआ है, मोबाइल नंबर, आप जो नंबर पर कॉल कर अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और किसी एप्लीकेशन के बारे में अगर किसी को डाउट है, सो 8053633
4333। इस नंबर पर आप कॉल कर डायरेक्ट पूछ सकते हो कि आपको कौन सा कोर्स यहाँ पे ज्वाइन करना है या फिर कौन सा हम इसमें से जिसमें से आपके पूरे टॉपिक्स क्लियर हो जाए, राइट। तो ये है आपके दोनों कोर्सेज। अगर आप इसका जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। सो ये कंप्लीट सिलेबस है आपका फर्स्ट सेम का। सॉलिड ज्योमेट्री आपका हटा दिया गया है। सॉलिड ज्योमेट्री ये आपको आगे सैम्स में मिलेगा, किसी भी सैम में मिलेगा जरूर सॉलिड ज्योमेट्री, राइट। सो एल्जेब्रा एंड कैलकुलस आपको रेडी करने हैं फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर बीए बीएससी फर्स्ट ईयर। ऑनर्स स्टूडेंट्स जो हैं, ऑनर्स मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, उनके लिए भी मैं वीडियो डालूंगी जिसमें हम उनका सिलेबस डिस्कस करेंगे, ओके। सो आज के लिए सिर्फ बीए बीएससी के लिए, ऑनर्स की वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी। सो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एंड आपके एग्ज़ाम भी अभी कॉलेजेस, जैसा कि आपको पता है कि अभी अच्छे से स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन एग्ज़ाम शायद सुनने में आया है कि जनवरी में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं CBL यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली, मैं आज बता रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट किसी लेक्चर में हम अदर यूनिवर्सिटी का डिस्कस करेंगे। सो आप इसको अपने सिलेबस को स्टार्ट कीजिए, अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।